तो गाइस आज बच्चों के डिमांड पे बनाया है पास्ता, जो कि सभी बच्चों का काफ़ी फेवरेट होता है। और किस किस को पास्ता खाना पसंद है, और बड़ों का भी फेवरेट होता है, खाली बच्चों का नहीं होता है। तो इसके लिए हम लेंगे एक बाउल में पानी, उसमें डालेंगे नमक, थोड़ा सा तेल अभी डाल सकते हैं आप इसमें, जिससे कि ये एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं, मतलब चिपक नहीं, चिपक जाते ना तो बड़ा अजीब से लगते देखने में, तो इससे ये काफ़ी अच्छे बनते हैं। और इधर हमने वेजीज ले ली, इसमें लिया शिमला मिर्च प्याज। तो ये देखिए इधर हमारी बॉयल हो रही है, और इसमें हमने थोड़ा सा हरी मटर जो आती ना वो भी ऐड कर दी थी। अच्छी लगती है, किसी किसी को पसंद है, किसी किसी को नहीं, तो आप अपनी चॉइस के अनुसार ले सकते हैं। और इसमें डालेंगे हम मस्टर्ड, आ जाने की सरसों का तेल, आप मक्खन की टिक्की भी ले सकते हैं, इसमें बाद में हम ऐड करेंगे जो कि। तो ये देखिए सरसों को तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। अगर आप बड़े लोगों के लिए बना रहे हो इसमें ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ी सी जिंजर गार्लिक, लेकिन हम सिर्फ ये बच्चों के लिए बना रहे थे, उसको सादा ही बनाएंगे। तो इसमें डाली हमने प्याज और शिमला मिर्च, और हमारे बच्चों को तो ये भी नहीं पसंद है, अगर वैसे तो सभी को पसंद होती है। तो इसमें डाल दिया हमने प्याज अपने, आप इसमें थोड़ा सा बंधा वगैरह भी ऐड कर सकते हैं एज़ पर योर चॉइस। तो देखिए प्याज को अच्छे से भून लेंगे जब तक ये लाल नहीं हो जाते हैं, और इसमें आप थोड़ा सा जीरा भी डाल दें तो अच्छा लगेगा, टेस्ट इसका काफ़ी अच्छा आएगा। और इसे देखिए मक्खन की टिक्की जो थी हमने इसमें आधी ऐड करी है, क्योंकि इसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। तो इसको ऐसे ही हम पका लेंगे धीमी धीमी आँच पर, और इसको ढक करके भी आप पका सकते हैं, जैसे कि जल्दी पक जाएगा उसको ब्राउन होने तक। और इसमें हम ऐड करेंगे अब शिमला मिर्च, जो कि इसको पकने में टाइम लगता है, इसलिए प्याज के साथ में इसको हमने डाल दिया है। और इसको लाल होने तक अच्छे से हम पकाएंगे 5 से 10 मिनट के लिए। और ये देखिए हमारे जो है ये भुन चुके हैं धीमी धीमी आँच पर, और ये देखिए थोड़ा सा ये शेडो हो गई इसमें, तो उसके लिए सॉरी आप लोगों को। और ये देखिए इसमें हमने टमाटर ऐड कर दिए हैं अपने टमाटो, तो इनको भी हम अच्छे से भून लेंगे। और फिर इसको भूनने के बाद इसमें हम मसाले अपने ऐड कर देंगे, और ये हमारे बच्चे जो है ना बहुत सताने करते थे कि पास्ता मसाला इसमें डाल दिया उन्होंने, तो चलिए कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करते हैं। सॉरी गाइस बीच में डिस्टर्ब होने के लिए, क्योंकि बच्चे ना तो मानते नहीं हैं। तो अभी इनको भून लेंगे अच्छी तरीके से हम टमाटर को, आप चाहे तो टमाटर स्किप भी कर सकते हैं, किसी किसी को नहीं पसंद होता है। अब इसमें हम बॉइल्ड जो है अपना सबसे फेवरेट चीज़ वो है पास्ता, तो अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पास्ता मसाला हमने डाला, आप चाहे तो बेसिक मसाले भी ऐड कर सकते हैं, हमने दोनों डाले थे थोड़े थोड़े, क्योंकि ये मसाला काफ़ी तीखा होता है ना, तो बच्चों को पसंद नहीं आएगा और कड़ू हो जाएगा, और वही नहीं खाएंगे तीखा हो जाएगा तो क्या फ़ायदा हमारे बनाने का। तो इसलिए आधा पैकेट हमने ऐड किया था, बाकी बचा लिया था। और थोड़ा सा बेसिक मसाले जो घर पर हम लोग रेगुलर यूज़ करते हैं वो डाल देंगे। और ये देखिए हरा धनिया से गार्निश कर लेंगे इसको अच्छे से, और आप चाहे तो इसमें सॉसेस वगैरह भी डाल सकते हैं आपकी चॉइस के अनुसार। और अच्छे से खूब सारा धनिया डालेंगे इसमें हम, और इसको मिक्स कर लेंगे, फिर इसको अपने प्लेट में सर्व करेंगे। और गाइस किस किस को इस तरीके का चटपटा और अच्छा सा टेस्टी टेस्टी नाश्ता खाना पसंद है, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और हमारे बच्चों को और हमको तो काफ़ी पसंद है, इसलिए बनाते रहते हैं। तो ये देखिए हमारा जो बन के बिल्कुल तैयार है अच्छे से, हमने इसको गैस पर से उतार लिया है, अब इसको बाउल में निकाल लेंगे, आपको सर्व करके दिखाते हैं। और ये देखिए कितना डिलीशियस टेस्टी लग रहा है ना, खाने का मन हो तो ज़रूर बना के खाइएगा गाइस। और वीडियो अगर अच्छी लगती हो हमारी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके बाय कल के लिए।